हेलो एवरीवन, आई एम वरुण एंड वेलकम बैक टू वरुण व्लॉग्स, जहां पे हम बात करने वाले हैं ह्युंडई एक्सटर के बारे में। सो ये कार बेस्ट इंडियन कार ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीत चुकी है एंड काफ़ी वैल्यू फॉर मनी कार निकल कर आती है ये ह्युंडई की एक्सटर। यहां पे आपको काफ़ी अच्छे सारे जो फीचर्स हैं वो देखने को मिलने वाले हैं काफ़ी लो बजट में। बात करेंगे इसे कम्प्लीट लुक्स के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी एसयूवी लुक्स जो है वो आपको इस माइक्रो एसयूवी के अंदर देखने को मिलने वाली है। और आज हमारे साथ है इसकी एसएक्स ऑप्शनल वेरियंट। सो आज हम बात करेंगे क्या इसमें आपको देखने को मिलता है और क्या ये कार आपको बाई करनी चाहिए या नहीं चाहिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं करीब से इस ह्युंडई एक्सटर। ह्युंडई एक्सटर के साथ हर सफ़र यादगार बनता है, जहाँ स्टाइल, स्पेस और प्रैक्टिकलिटी सारे कुछ आपको एक कंप्लीट जो पैकेज है वो ऑफर पर मिल जाएगा। काफ़ी वैल्यू फॉर मनी कार ये निकल कर आती है एंड इस प्राइस पॉइंट में काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स जो हैं वो आपको इस माइक्रो एसयूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। शुरू करते हैं इसकी हेडलैम्प यूनिट से। यहाँ पे आपको एज स्टाइल जो कंप्लीट एलईडी डीआरएल्स हैं वो यहाँ पे प्लेस मिलते हैं। नीचे आपको मिलते हैं इसके हेडलैम्प्स जो कि आपको हैलोजन प्रोजेक्टर के अंदर मिल जाते हैं। सामने आपको टेक्सचर्ड पैटर्न मिलती है ह्युंडई की एल्युमिनियम सिल्वर में बैजिंग, और एक्सटर की जो बैजिंग है वो आपको सामने की ओर प्रेजेंट मिलती है। बम्पर कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है और ये काफ़ी अच्छी है कि आपको ग्रीनिश जो कलर है वो यहाँ पर ऑफर कर दी जा रही है। बात कर लें इसकी एलॉय व्हील्स की, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो टायर्स प्रोवाइड करिए जा रहे हैं वो सीएट सिक्योरा ड्राइव एंड टायर प्रोफाइल यहाँ पे आपको मिलती है 175, 65, 15 इंच की एलॉय साइज के साथ। ब्लैकआउट आपको ओआरवीएम्स मिलते हैं और ऊपर यहाँ पे आप अगर देख पा रहेंगे तो काफ़ी सारे कुछ एसेसरीज हैं जो इसमें इंस्टॉल किए गए हैं। लमसम 30,000 के एसेसरीज में आपको कंपनी इंस्टॉल्ड यहाँ पर देखने को मिल पा रहे हैं। यहाँ आपको वाइपर्स की प्लेसिंग मिल जाती है और यहाँ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स जो है वो प्रेजेंट मिलते हैं। यहाँ पे आपको मिलती है इसकी दो वाइजर्स जो कि एज अ पार्ट ऑफ एसेसरी कंपनी के थ्रू इंस्टॉल की गई है। कंप्लीट लुक्स की बात कर ले तो कुछ तरह का कंप्लीट लुक्स जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है ह्युंडई एक्सटर के अंदर। बात करें इसकी लेंथ की तो 3.8 मीटर इसकी कंप्लीट लेंथ है, 1.7 मीटर विड्थ है और हाइट की अगर हम बात कर लें तो 1.6 मीटर की कंप्लीट हाइट निकल कर आती है। एक अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलने वाली है 185 मिलीमीटर्स की और व्हील बेस जो रखा गया है वो है 2450 मिलीमीटर्स का। साथ ही आपको 37 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आती है। बात कर ले इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में तो कुछ इस तरह की कंप्लीट इसकी विंडो लाइनिंग्स जो आप देख सकते हैं एलुमिनियम सिल्वर फिनिश में आपको मिलती है। यहाँ पे आपको मिलती है इसकी टेक्सचर्ड फिनिश, कंप्लीट पैटर्न फिनिश जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ऊपर आपको स्पॉयलर दिया गया है, यहाँ पर आपको मिलते हैं शार्क फिन एंटीना। रूफ रेल्स की बात करें तो कंप्लीट ग्लॉसी ब्लैक रूफ रेल्स मिलते हैं। ऊपर आपको सनरूफ मिल जाता है और काफ़ी बड़ी साइज़ की जो विंडो है वो आपको प्रेजेंट मिलने वाली इस माइक्रो एसयूवी के अंदर। यहाँ पे अगर हम टेल लैम्प्स की बात करें तो अगेन आपको एच शेप टेल लैम्प जैसा फ्रंट में देखा था डीआरएल सेटअप, वहीं पे आपको टेल लैम्प की जो डिज़ाइन है एच शेप अगेन मिलने वाली है। यहाँ पे आपको मिलते हैं इसके टर्न इंडिकेटर्स, रिवर्स पार्किंग लाइट्स, एसएक्स वेरियंट की बैजिंग मिलती है। हालाँकि ये एसएक्स ऑप्शनल वेरियंट है, ऑप्शनल की जो बैजिंग है वो प्लेस नहीं मिलती है, एसएक्स की जो बैजिंग है वो आपको मिल जाएगी। टेक्सचर्ड फिनिश यहाँ भी दिया गया है, ह्युंडई की बैजिंग मिलती है, रियर व्यू वाइपर्स, डिफॉगर्स, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, कुछ तरह की कंप्लीट जो फिनिश है यहाँ पे देखने को मिलती है। अगेन जो यहाँ पे आपको एल्युमिनियम सिल्वर का फिनिश है वो और कॉम्प्लीमेंट कर रही है गाड़ी की ओवरऑल लुक्स को। काफ़ी अच्छी कार है, एक माइक्रो एसयूवी है एंड लुक्स की हम बात करें तो लुक्स में भी आपको जो एसयूवी वाला फील है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है जो हर इंडियन बायर चाहता है। यहाँ पे आपको एक्सटर की बैजिंग मिलती है, ह्युंडई की एल्युमिनियम सिल्वर फिनिश में ब्रांडिंग मिलती है, रियर कैमरास मिल जाते हैं, दो पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग की गई है, यहाँ आपको रिफ्लेक्टर्स की प्लेसिंग मिलती है। अंडर बॉडी प्रोफाइल की बात कर लें तो कुछ इस तरह की आपको अंडर बॉडी प्रोफाइल मिलती है, रगेड स्टाइल बम्पर्स पीछे की तरफ मिल जाते हैं। साइड क्लैडिंग अगर हम बात करें व्हील क्लैडिंग्स वो आपको व्हील आर्चेस जो प्रोवाइड कर दिए गए हैं डोर्स में आपको प्रेजेंट मिलते हैं। बूट स्पेस की बात कर लें तो आप यहाँ सरप्राइज होंगे कि आपको एक अच्छी खासी जो बूट स्पेस है एज अ फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखेंगे एक अच्छी बूट स्पेस भी आपको चाहिए होती है तो आपको 391 लीटर्स का एक अच्छा बूट स्पेस जो है वो यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पर आप इजीली अपने केबिन बैगेज और एक ट्रॉली को एडजस्ट कर पाएंगे अच्छे तरीके से। नीचे यहाँ पर आपको थोड़ा सा बूट लिप जो है वो ऊंचे साइड में मिलेगा बट इतना मैनेजेबल है। यहाँ पर आपको बूट लैम्प्स जो है वो प्रेजेंट मिलते हैं, एक अच्छी खासी पार्शियल ट्रे प्रेजेंट मिलती है और यहाँ पे कुछ कुशन्स आपको मिल रहे हैं, ये पार्ट ऑफ एसेसरी में इंस्टॉल किए गए हैं। ये मैट भी आपको एज अ पार्ट ऑफ एसेसरी जो है वो देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छी फेस्टिव ऑफर्स चल रहे हैं, आप नज़दीकी ह्युंडई डीलर्स के पास जा सकते हैं टू अवेल द ऑफर्स। यहाँ पे आपको इसके रियर स्पेयर व्हील टायर्स मिलते हैं एंड टायर साइज़ की हम बात कर लें तो 165, 70, 14 इंच की जो स्टील रिम्स है उसका ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल पाएगा। चलते हैं इसके
रियर साइड ऑफ डोर में, और अंदर से बात करते हैं रियर सेक्शन में आपको कितना स्पेस ऑफर करती है ये ह्यूंडई एक्सटर। यहाँ पे एल्युमिनियम गार्निश प्रोवाइड की गई है, वरना एज स्टॉक कार में आपको यहाँ पे बॉडी कलर जो डोर हैंडल से वो प्रेजेंट मिलते हैं, ये एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल की गई है। बात करते हैं इसके डोर पैनल की, यहाँ पर कंप्लीट ब्लैक फिनिश में डोर पैनल्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको कॉइन होल्डर स्पेस मिलता है, पावर विंडो कंट्रोल्स, डोर हैंडल, स्पीकर्स की प्लेसिंग, बॉटल होल्डर स्पेस, कुछ डोर पॉकेट का स्पेस है वो यहाँ पे देखने को मिल पाएगा। एज अ पार्ट ऑफ एसेसरी यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं ये सीट कवर्स, वरना यहाँ पे आपको फैब्रिक अपॉसिटी के अंदर सीट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, सेंटर आर्मरेस्ट जो है वो यहाँ पे नहीं मिलता है। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे, जो कि है स्पेस। यहाँ पे आपको केबिन लैंप्स मिलते हैं और स्पेस कुछ इतना मेरे को यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। ड्राइवर साइड सीट्स मेरे अकॉर्डिंगली सेट हैं और हल्का सा रिक्लाइन नहीं है, बाकी मेरे अकॉर्डिंगली ये फिक्स है। यहाँ पे एक अच्छा स्पेस जो है वो मेरे को मिल जाता है, मेरी हाइट 5'8" है एंड अभी भी मेरे पास इतना जो स्पेस है वो आप देख पाएंगे बच रहा है। तो एक स्पेस के मामले में आपको किसी तरह की शिकायत नहीं होगी अगर आप 6 फुट भी हैं तो। यहाँ पे आपको डोर पॉकेट जो हैं इस सीट कवर के साथ मिल जा रहे हैं, वरना आपको को पैसेंजर साइड डो ये सीट पॉकेट जो हैं वो मिल जाते हैं। गलती से मैंने डोर पॉकेट्स बोल दिया। यहाँ पे आपको मिलते हैं दो रियर एसी वेंट्स और नीचे आप आपको एयर फ्लो को एडजस्ट करने का जो एडजस्टर है वो मिल जाता है। नीचे कुछ स्पेस नहीं दिया गया है, यहाँ पे एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाता है। सेंटर हम ज़रा सा मिलेगा जो बहुत मैनेजेबल है एंड दो एडल्ट्स के लिए काफ़ी अच्छा परफेक्ट स्पेस है। अगर इसकी हम विड्थ की बात करें अच्छा एक आपको साइज़ मिलता है, सो दो एडल्ट्स ईजिली आप एडजस्ट होंगे अंदर की ओर में। और अंदर थाई सपोर्ट की मैं बात करूँ, एक अच्छा अंदर थाई सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि इसका रिक्लाइन एंगल जो है सीट्स का काफ़ी अच्छा दिया गया है। उस वजह से सीट्स की अगर आप डायरेक्शन देंगे तो थोड़ी टिल्टेड है पीछे की तरफ, तो आपको एक अच्छा बैक सपोर्ट जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, जिस वजह से जो कंफर्ट है सीट्स का काफ़ी अच्छा आता है। एंड मैं काफ़ी सारे कार्स में मैंने बैठा है बट इसकी जो अंदर थाई सपोर्ट है काफ़ी अच्छी आ रही है। एंड लॉन्ग जर्नीज़ की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे लॉन्ग जर्नी में किसी भी तरह की जो शिकायत है मुझे फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि आप अच्छा खासा एक जो स्पेस है वो मुझे देखने को मिल पाएगा। और बात कर ले फ्रंट एरिया की, तो कुछ इस तरह कंप्लीट इसकी फ्रंट डैशबोर्ड यूनिट दिखती है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं, साथ ही कोट हुक्स मिलते हैं, केबिन लैंप्स मिलते हैं आपको हैलोजन के अंदर में। चलते हैं इसके फ्रंट रो सीट्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि रियर सीट्स में तो काफ़ी अच्छी स्पेस जो है वो आपको देखने को मिल पाती है। शुरू कर ले इसके ड्राइवर डोर से, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलते हैं फॉर पैसिव कीलेस एंट्री। यहाँ पे ओआरवीएम्स मिलते हैं, ब्लैकआउट यहाँ पे कम्प्लीटली आपको इंडिकेटर्स की जो प्लेसिंग है वो देखने को मिल जाती है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स हैं, फोल्डेबल भी इलेक्ट्रिकली हैं ये। यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं, विंडो को लॉक करने का ऑप्शन मिलता है, कुछ पॉकेट्स मिलते हैं डोर पॉकेट्स, यहाँ स्पीकर्स की प्लेसिंग, डोर हैंडल्स मिलते हैं, कम्प्लीट ब्लैक इंटीरियर्स आपको मिलते हैं और आपको रूफ जो है वो आपको कम्प्लीटली बेज फिनिश में मिलती है। कुछ इस तरह के इसके स्टेयरिंग व्हील मिलती है, यहाँ पे आपको स्टार्ट और बटन की प्लेसिंग, साइड में आपको एल्युमिनियम सिल्वर फिनिश मिलती है, ट्रैक्शन कंट्रोल, रियर व्यू कैमरा और ये आपकी हेडलैम्प लेवलर्स की जो एडजस्टर्स हैं वो यहाँ पे आपको प्रेजेंट मिलेंगे। यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं अपनी बूट, अपनी बोनट को ये आपको लिवर मिल जाती है। सामने आपको पेडल्स यहाँ देखने को मिलते हैं, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं अपनी फ्यूल टैंक। और कुछ इस तरह के आपको सर्कुलर डिज़ाइन में अलॉय व्हील स्टाइल में मिलते हैं आपको इसकी एसी वेंट्स एंड आपकी कार की कलर के अकॉर्डिंगली आपको इंटीरियर से कलर्स है एसी वेंट्स के सराउंड जो आप कलर्स देख रहे हैं वो सारे चेंज होते हैं। अगर आपकी डिफरेंट कलर है तो आपको डिफरेंट एसी वेंट्स की जो कलर है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। शुरू करते हैं इसकी इंटीरियर से और बात करते हैं इसकी स्टेयरिंग व्हील के बारे में। सो कुछ इस तरह की आपको स्टेयरिंग व्हील मिलती है, यहाँ पर आपको 3-स्पोक स्टेयरिंग व्हील प्रोवाइड कर दी गई है। हुंडई की बैजिंग मिलती है। बात कर ले इसकी हॉर्न की, तो कुछ इस तरह की आपको हॉर्न मिलती है जिसने आपने i20 में भी देखा होगा इस तरह का हॉर्न। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट जो कंट्रोल्स हैं वो मिलते हैं, यहाँ आपको MID के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एडजस्टमेंट की बात कर लूँ, लिवर यहाँ पे प्लेस मिलता है, इसको करते हैं डाउन और एडजस्टमेंट देख लें। सिर्फ यहाँ पे आपको जो लेंथ हाइट का एडजस्टमेंट है वो मिलता है, लेंथ को आप एडजस्ट नहीं कर सकते यहाँ पे। यहाँ पे आपको मिल जाता है MID क्लस्टर। लेफ्ट कॉर्नर में आप अपनी फ्यूल की जो गेज है वो देख सकते हैं, डिजिटल गेज। और यहाँ पे आपको जो टेम्परेचर गेज है वो यहाँ पे शो करती, सामने आउटहाउस टेम्परेचर, ऑडोमीटर रीडिंग। MID में बात कर ले सो यहाँ पे आप अपनी टायर प्रेशर देख सकते हैं, अपनी करंट ट्रिप जो है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंपास का जो ऑप्शन है वो दे दिया गया है और कुछ इस तरह के आपको जो ऑप्शन यहाँ पे देखने को कम्प्लीट मिलते हैं। क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है जिसके बटन से यहाँ पे प्लेस्ड है। यहाँ पे मिलती है आपको 8 इंचेस की इंफोटेनमेंट डिस्प्ले जो सपोर्ट करती है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। यहाँ पे आपको कंप्लीट एक अच्छा सेटअप मिलने वाला है, काफ़ी स्मूथ रिस्पॉन्स मिलने वाला है ओवरऑल इसका सिस्टम का। यहाँ पे हम बात कर ले इसकी सिस्टम में, तो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है, स्मूथनेस काफ़ी है स्क्रीन में, किसी तरह का जो लैग है वो आपको फील नहीं होगा। एंड अपर वेरियंट्स में जाते हैं, वहाँ पर अलग सिस्टम प्रोवाइड किया गया है,
यहाँ पे आपको टॉप वेरियंट है तो ब्लू लिंक जो कनेक्टिविटी है वो आपको मिल जाती है, यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। टो का स्विच मिल जाता है, बटन मिल जाता है, और ये SOS जो है वो मिलता है। मैनुअली एडजस्टेबल ORVM से डे एंड नाइट। और एक अच्छा कूल फीचर मैं बताऊँ, सो आपको टॉप वेरियंट्स में मिलती है ये कंपनी फिटेड डैश कैम। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये इनसाइड केबिन की जो रिकॉर्डिंग है वो भी आपको शो करने वाली है। आप इस रिकॉर्डिंग को बंद कर सकते हैं और ये बाहर की जो रिकॉर्डिंग है उसको भी लेती है। सो इंटीरियर जो केबिन के अंदर जो आपको रिकॉर्डिंग चलती है आप उसको बंद कर सकते हैं, पर बाहर की जो रिकॉर्डिंग है वो हमेशा ऑन रहती है। सो एक काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है। प्लस यहाँ पे किसी भी तरह का जो वायरिंग है वो जाते हुए नहीं मिलेगा आपको, किसी भी तरह का क्लटर्ड सिस्टम नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी फिटेड है। सो एक अच्छा फिटमेंट जो आपको यहाँ प्रोवाइड करती है Hyundai। बात करें इसके सनशेड्स की, तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाता है, केबिन लैम्प्स मिलते हैं हाइड्रोजन के अंदर में, और एक्सर गेट्स अ सनरूफ। तो यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी जो सनरूफ है वो प्रोवाइड कर दी गई है। मैं एक बार आपको ओपन करके भी दिखा दूँ सनरूफ को। सो एक अच्छी विड्थ की आपको सनरूफ मिलती है इस माइक्रो SUV के अंदर। यहाँ पे आपको मिलता है एक वैनिटी मिरर, यहाँ पे टेक्सचर्ड फिनिश मिलता है, काफ़ी अच्छा व्यू एक ओवरऑल मिलने वाला है, और ड्राइवर साइड से कुछ इस तरह का व्यू मिलता है। आपको लगेगा नहीं कि आप किसी छोटी कार में बैठे हैं, एक कंप्लीट SUV वाला फील लेता है क्योंकि गाड़ी की हाइट है वो भी अच्छी है, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। सो कंप्लीट SUV वाला जो फील है आपको इस कार के अंदर मिलने वाला है। बात कर ले, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड कर दिया गया है। नीचे आपको एक कूल्ड ग्लव बॉक्स जो है वो मिलता है Hyundai Exter की SX ऑप्शनल वेरियंट के अंदर में। स्टोरेज भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के सारे कंट्रोल्स जो हैं वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। टाइप सी पोर्ट मिलता है, एक USB टाइप ए पोर्ट मिल जाता है, और कुछ इस तरह के आपको कंट्रोलर्स मिलते हैं। नीचे 12 वोल्ट पावर आउटलेट है, सॉरी ये USB टाइप ए पोर्ट है। और नीचे अगर हम बात कर लें, वायरलेस चार्जिंग पैड आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। यहाँ पर आपको मिलता है 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है, और एक्स्ट्रा के साथ कुछ इस तरह की मिलती है। यहाँ पे ब्राउन फिनिश मिलती है, और लॉक एंड लॉक बटन्स और ट्रंक को रिलीज़ करने का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है। यहाँ पे Hyundai की बैजिंग रहती है, बट यहाँ पे फ़िलहाल अभी स्टिकर्स लगे हुए हैं सो मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। इस तरह की आपको प्रीमियम जो की है वो मिलती है Hyundai के सारे कार्स के साथ। प्रीमियम की फॉब आपको हमेशा मिलती है, उसमें किसी भी तरह का दो राय नहीं है। दो यहाँ कप होल्डर्स मिलते हैं, और कुछ इस तरह की सेंटर यूनिट की प्लेसिंग की गई है, यहाँ हैंड ब्रेक की प्लेसिंग मिलती है। एक चीज़ जो आप मिस करेंगे वो है इसकी सेंटर आर्मरेस्ट, जो कंपनी को प्रोवाइड करनी चाहिए थी, बट हालांकि यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है, बट कंपनी को ये जो फंक्शन है वो देना चाहिए था। कुछ इस तरह की कंप्लीट व्यू आती है। चलिए चलते हैं इसके इंजन और सेफ्टी फीचर्स के बारे बात करते हैं। सो बात कर ले अंडर हुड प्रोफाइल के बारे में, यहाँ पे आपको क्या इंजन पावर फिगर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ Hyundai Exter के अंदर आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, एंड अगर आप इससे कॉम्पिटिटर्स में देखेंगे तो इस प्राइस सेगमेंट में वो 3 सिलेंडर इंजन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। बट यहाँ पे आपको एक बेहतर 4 सिलेंडर इंजन मिल रहा है जो काफ़ी रिफाइन है, और आपको काफ़ी साइलेंट जो है वो देखने को मिलने वाला है। एवरेज जो है एक अच्छी निकाल कर देगी क्योंकि आपको यहाँ पे 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, इंजन नॉइज़ आपको नहीं देखने मिलेगा। साथ ही फिट एंड फर्निश की बात कर ले तो यहाँ कुछ इस तरह की फिट एंड फर्निश जो है ओवरऑल देखने को मिलती है। ये प्रोवाइड करती है 83 PS ऑफ पावर एंड 130 Nm ऑफ टॉर्क। यहाँ पे आपको कूलेंट, आपकी ब्रेक फ्लूड, वॉशर वाइपर लिक्विड की प्लेसमेंट यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे आपको K1.2 की जो बैजिंग है, क्योंकि 1200 cc की इंजन है, उसकी बैजिंग आपको यहाँ मिलती है। यहाँ पे मिलती है बैटरी की प्लेसिंग, यहाँ पे कंप्लीट आपको फ्यूज़ बॉक्स मिल जाते हैं। इंसुलेशन मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया है, बट हालांकि काफ़ी रिफाइन इंजन है, उस वजह से केबिन के अंदर आपको इंजन जो नॉइज़ है वो देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है इस K1.2 लीटर इंजन के अंदर में। Hyundai Exter को कंसिडर करना चाहिए या नहीं चाहिए? सो अगर आप अपनी पहली कार डिसाइड कर रहे हैं, आपको एक नई पहली कार चाहिए, एक बड़ी स्पेशियस कार चाहिए, और आप चाहते हैं आपकी फैमिली कंफर्टेबली बैठे, एक अच्छा रियर स्पेस मिले, क्योंकि हर एक आदमी चाहता है कि उसकी जो फैमिली है वो कंफर्टेबली पीछे बैठे, या फिर कोई भी जो नया इंसान है उसे गाड़ी में पहली बार बैठे वो उसकी गाड़ी के बारे में तारीफ करे कि वाह यार क्या गाड़ी ली है, एक अच्छी स्पेस मिले। सो उन चीज़ों को कंसिडर करते हुए आप इस गाड़ी की तरफ जा सकते हैं। काफ़ी वैल्यू फॉर मनी कार है क्योंकि आपको इस प्राइस सेगमेंट में काफ़ी अच्छे फीचर्स जो हैं वो मिलते हैं। एक अच्छी लुक्स मिलती है, फीचर लोडेड कार मिलती है, एक रिफाइन इंजन मिलता है 4 सिलेंडर, और एक कंप्लीट जो फैमिली कार है जो हर एक इंडियन बायर को चाहिए होती है वो मिलती है। SUV लुक्स भी मिलते हैं, अच्छी खासी एक हाइट है गाड़ी की, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी मिल सकती है मिलती है, जिस वजह से आप अच्छे कई खासे जगह जा सकते हैं, कहीं भी आपको गाड़ी सटने का जो रिस्क रहते हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सो इन पॉइंट को अगर आप कंसिडर करते हैं सो आप इस कार को ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी कार निकल कर आती है, और अगर आप पहली कार ले रहे हैं तो आप कभी भी रिग्रेट नहीं कीजिएगा इस कार को बाई करके। सो ये थी मेरी ओपिनियन, आपकी क्या ओपिनियन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं।
मिलते जल्दी एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन दिस इज वरुण, जय हिंद।